हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में। देखिए, जब हम लोग प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका कि मैंने कई बार इस बातों को बोला है कि जो प्रोकेरियोटिक सेल हैं आपके वो आपके मोस्टली क्या है, यूनिसेलुलर है, और जो यूकेरियोटिक सेल हैं आपके वो क्या है, आपका मल्टी सेलुलर है। जब हम लोगों ने प्रोकेरियोटिक एग्जाम्पल लिया था तो उसमें हमने क्या लिया था, आपका बैक्टीरिया। हम लोग जब बात करते हैं इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक तो हम लोग जो लिख सकते, इनका जो एग्जांपल है आपका वह है आपका प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, आपका प्रोटिस्टा भी आपका यूकेरियोटिक सेल में आएगी। ठीक, यूकेरियोटिक सेल में हमारे पास दो डिस्क्रिप्शन है, एक आपका प्लांट सेल है, एक आपका एनिमल सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास केवल और केवल एक ही था, हम लोगों ने जिसका एग्जांपल पढ़ा था वो था बैक्टीरिया का। देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं शुरुआत कि एनिमल सेल से करते हैं, एनिमल सेल से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अगर कोई आपसे बेसिक डिफरेंस पूछे प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का तो आप क्या बताएंगे, उसमें जो आपका एनिमल सेल है उसमें आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है। देखिए, एनिमल स्टार्ट फ्रॉम द ए, ठीक, एंड द टर्म एब्सेंट स्टार्ट फ्रॉम द ए आल्सो। क्लियर, जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है किसी भी सेल की वह क्या है, सेल वॉल है। बट इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, द इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल इन एनिमल सेल द सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट। जब मैं आपको सेल थ्योरी बता रहा था तो द सेल थ्योरी आर प्रपोज्ड बाय द सिल्डन एंड सोन, उसमें आप जो सिल्डन जो आपके थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो जिन्होंने प्लांट पे अपना रिसर्च किया था, और जो सोन थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने उस क्या किया था, एनिमल पे अपना रिसर्च या फिर स्टडी करके बताया था। क्लियर, तो जो एनिमल सेल है इसमें सबसे पहली बात क्या आएगी कि ध्यान रखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट की इसमें आपका सेल वॉल एब्सेंस होगा। जब आपका सेल वॉल एब्सेंस होगा तो ये दिस इज योर द एनिमल सेल। ठीक है, जब सेल वॉल एब्सेंट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, इन अ मिडिल ऑफ द सेल, द मिडिल ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब देखिए, इन केस ऑफ द न्यूक्लियस की हम लोग बात करेंगे तो जब प्रोकैरियोटिक सेल की हम लोगों ने बात किया था तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या था, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था। बट इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक सेल द न्यूक्लियस या फिर जो आप कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। क्लियर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, इनके बीच में जो एक गैप है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ठीक, इसके यहां पे न्यूक्लियस में एक आपका एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो लस। न्यूक्लियो लस, ठीक, इनसाइड अ न्यूक्लियस सम जेली लाइक सब्सटेंस आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक, इनसाइड अ न्यूक्लियस मींस इनसाइड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज नॉट अ नाउ राइट नाउ अ कंप्लीट न्यूक्लियस। अभी हम लोग इसको पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, अभी इसमें कुछ टर्म बाकी हैं आपके। एक क्या था, न्यूक्लियस हमारा हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियो प्लाज्म हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में हमारा एक इस तरह से जेनेटिक मेटेरियल क्या होता है, डीएनए, ठीक है, और वायरस के केस में आपका आरएनए, जेनेटिक मटेरियल।
इस फॉर्म में जो आपका होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक, क्रोमेटिन फाइबर्स एंड दिस ऑल कंप्लीट मेक्स यू मेक योर द व्हाट न्यूक्लियस, ठीक है, ये कंप्लीट आपका क्या बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक। अब देखिए सेल है, ये आपका सेल है, तो ऑब्वियसली सेल के अंदर में क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे, ठीक। जब आपका यूकैरियोटिक सेल है तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज हैं उनकी प्रेजेंस होगी, होगी ना, जितने भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज हैं उनकी प्रेजेंस होगी, ठीक। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज में आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडीज, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर। यूकैरियोटिक सेल है और उसमें भी आपका एनिमल सेल है, ठीक। तो जो सेल है आपका इसमें क्या कि डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म होने हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज जो परफॉर्म इसमें आपका होना है तो उसमें क्या है आपका कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था आपका कि उसमें कोई भी आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज की प्रेजेंस नहीं होनी थी, और चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल के एनिमल सेल है तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होगी। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहां पर आपका क्या है, दिस इज योर द व्हाट, एक रफ सा है डायग्राम, नॉट अ परफेक्ट, माइटो कॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखिए इन अ यूकैरियोटिक सेल आपका जो है ना उसके उसमें आपका एक अटैच होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर इसे जोड़ दा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रफ एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस क्या है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एज पर द नेम, सपोज कि मैंने इसको नाम दे दिया क्या स्मूथ ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैंने क्या नाम दे दिया। अब देखिए मैं इस पे यहां पे कुछ एक डॉटेड लाइक एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया क्या आपका इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ, रफ ई आर, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने रफ इसलिए बोला क्योंकि यहां पर देखिए एक डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, जब हम उसको छुएंगे तो रफनेस इस पे आएगी, ठीक है। ये जो आपका रफनेस लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, दिस इज योर द राइबोसोम्स विच इज द ATS, ATS टाइप इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द राइबोसोम टाइप्स इज अ ATS राइबोसोम, ठीक, क्लियर।
एनिमल सेल है आपका। एनिमल सेल में क्या है आपका कि बहुत सारे, तो बहुत सारे स्मॉल नंबर में आपका क्या होते हैं, वॉक्यूल्स जो है सो आपके प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। जरूरी नहीं कि आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाउंड्री के बगल में होंगे, मीन्स इंटायर इन द सेल आपके ये क्या होंगे आपका वॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आपके वॉक्यूल्स। एक आपका मैं यहां पे बना रहा हूं इस तरह का सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, एक आपका सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइसोसोम, जिसको हम लोग सोसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक। इस सारे जो आपका सेल ऑर्गेनेल है इसको हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपका ये एनिमल सेल है, ठीक, जस्ट नियर इन अबाउट अ आपका क्या ये न्यूक्लियस, ठीक, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल आपके दो प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल आपका दो प्रेजेंट होता है, एक आपका वर्टिकल में, तब फिगर को गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा डायग्राम वो हो गया है, एक आपका वर्टिकल में एक आपका हॉरिजॉन्टल में, दोनों आपका नियर अबाउट द जो आपका न्यूक्लियस है उसके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक। एंड अराउंड द सेंट्रियोल देयर आर द नाइन इन द नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, देयर आर द नाइन इन नंबर आपका सेंट्रियोल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ये कंप्लीट आपका यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स। इन अ सेंट्रोसोम योर टू सेंट्रोइल्स आर प्रेजेंट, समझ गया। इन अ सेंट्रोसोम आपका क्या है, दो सेंट्रोइल आपका प्रेजेंट है, ठीक। इन अ यूकैरियोटिक सेल ऑफ द एनिमल सेल हियर इज द सम रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर द प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द साइटोस्केलेटन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। जो आपका साइटोस्केलेटन होता है ये आपके इसमें दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है क्या माइक्रो ट्यूबुल्स और दूसरा आपका माइक्रो फिलामेंट, ठीक है। डिफरेंस क्या है माइक्रो ट्यूबुल्स और माइक्रो फिलामेंट में, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब आपका माइक्रो ट्यूबुल्स है ये आपका हॉलो सिलेंड्रिकल लाइक होता है, यह पर कैसा होता है हॉलो, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्यूबुलिन पोर। और ये जो आपका माइक्रोफिलामेंट होता है ये आपका क्वाइट थोड़ा सा सॉलिड जैसा होता है, जैसे कि ये आपका है तो ये आपका इस तरह से हॉलो नहीं होता, ये सिलेंड्रिकल नहीं था, ये थोड़ा आपका सॉलिड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, समझ गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। देखिए इसके अलावा और भी आपके क्या है बहुत सारे काइंड्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, बट दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन अ केस ऑफ द एनिमल सेल, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस क्या होना है, अगर हम लोग जब प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, डिफरेंस आपका यह होना है कि सबसे पहला है कि द नेम एनिमल, जो आपका एनिमल जो वर्ड है इज स्टार्ट फ्रॉम अ ए, एंड द टर्म एबसेंट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ए, मीन्स इन एनिमल सेल द सेल वर्ड इज कंप्लीटली एबसेंट, डायरेक्टली वहां पर हम लोग क्या होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सो वो होगी, इसमें आउटर कवरिंग लेयर पे आपका सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर प्लाज्म एंड द जेनेटिक मटेरियल योर क्रोमेटिन फाइबर मेक्स द होल मेक्स योर द न्यूक्लियस, ठीक है।
एक आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन विच प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ. व्हाट इज द रोल ऑफ अ साइटोस्केलेटन? इट्स प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ. ठीक है, और बाकी जो इनकी जो आपके पूरे फंक्शंस क्या हैं, उनका ओरिजिन क्या है, ये वर्क कैसे करते हैं, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको हम लोग फिर लेटर ऑन क्या है, अगले वीडियो में जब इसकी टर्म आएगी तो हम उसमें पूरा एक एक करके हर एक सेल ऑर्गेनेल्स की हम लोग इसमें डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक अभी हम लोग इसको इतना ही रखते हैं. हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एनिमल सेल के साथ. ओके, थैंक यू.